जैसे ही महारानी ने भजरंग पलंगा आंगन में डाला, महाराज उत्तानपाद को जिस समय बिठाया है और महाराज उत्तानपाद जब बैठे हैं, प्रेमी सज्जनों, रानी को उदास निहार करके महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी जब भी मैं महलों में आया तो तुम्हारा चेहरा सूर की तरह दमकता, हर समय बात करता हुआ मिला, लेकिन आज क्या कारण है? कौन सी ऐसी बात बन गई हमें बताओ ना। महाराज उत्तानपाद कहते हैं, चिंता नहीं करते। क्यों? इसलिए जवाब दे दिया रानी, क्या बात है? हरे चिंता जीवित इंसान को खोखला कर देती है, चिता तो सिर्फ मुर्दे को जलाया करती है। इसलिए कारण नाराजी का नहीं, कोई बात बन गई, कोई भूल बन गई तो वो हमें बताओ। आज मेरे प्रेमी सज्जनों क्या किया? आज उसी समय क्या किया है? राजा उत्तानपाद रानी से कहते हैं, Thank you.
महाराज उत्तान पाद कहते हैं रानी हमारे पास परमात्मा ने सब कुछ दिया है फिर भी तुम्हें उदास चेहरा निहार करके आंगन में अच्छा नहीं लगता। भगवान ने धन दौलत दी है राजपाट दिया है प्रजा सब कुछ है हमारे पास में जाने क्यों भगवान नहीं